हेलो फ्रेंड्स, माला किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं बनाने वाली हूँ कच्चे आम का भुना हुआ आम पन्ना। ये पीने में बहुत ही टेस्टी लगती है और गर्मी के दिनों में इसे पिया जाए तो पेट एकदम ठंडा रहता है और शरीर पूरे दिन तरोताज़ा बना रहता है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं मेरे किचन में। तो सबसे पहले आम पन्ना बनाने के लिए लिया है मैंने 2 कच्चे आम। यहाँ पर लिया है मैंने काला नमक, यहाँ पर है चीनी और यहाँ पर लिया है मैंने जीरा और 4 इलायची को भूनकर पाउडर बना लिया है। जीरे के साथ 4 इलायची डालकर मैंने जीरे के साथ ही भून लिया इलायची को और फिर इसका मैंने पाउडर तैयार कर लिया है। इन आम को मैंने पहले से ही बढ़िया से धोकर रखा है, अब बस गैस पर इसे हम भून लेंगे। गैस ऑन कर दिया है, अब इसके ऊपर मैंने जाली रख दी है और जाली के ऊपर हम दोनों आम को रख देंगे और मीडियम आंच पर रखते हुए आम को भुनने देंगे। आम को बीच बीच में घुमाते रहना है, जिस तरफ से ये भुन जाए उस तरफ से हमें घुमा देना है, कच्चे साइड की तरफ फिर से हमें घुमा देना है। इस तरह से दोनों आम को हमें भून लेना है। ये देखिए एक साइड से आम भुन चुका है, तो आम को पलट देते हैं, ऐसे उलट पलट करके आम को बढ़िया से भून लेंगे। आप चाकू से इस तरह से चेक कर सकते हैं आम भुना है कि नहीं। ये देखिए आम जो है बहुत बढ़िया से भुन चुका है। ये देखिए दरारें भी पड़ चुकी हैं इसमें, यानी कि ये आम जो है बहुत बढ़िया से भुन चुका है। अब इसे हम निकाल लेंगे और निकाल के ठंडा कर लेंगे, उसके बाद हम इसे छीलेंगे। आम जो है काफ़ी हद तक ठंडा हो चुका है पर अभी भी अंदर से गर्म है, तो अब इसे हमें छीन लेना है। आम का जो है बहुत ही आराम से छिलका उतर जाएगा। आम का छिलका हटाने के बाद इसको धोएं ना, क्योंकि धोने से जो भूनते हैं हम आम को उसमें जो खुशबू आती है तो धोने से लगता है वो खुशबू चली जाती है। कई लोग जैसे बैंगन को भी भूनने के बाद छिलका उतारने के बाद धो लेते हैं, तो मैं पर्सनली नहीं धोती, मुझे पसंद नहीं है धोना, क्योंकि ऐसा लगता है उसकी भुनी हुई की जो स्मेल होती है, जो खुशबू होती है वो चली जाती है। तो ऐसे ही छिलकों के छोटे छोटे जो टुकड़े बच जाए उसे अपने हाथ से ही निकाल के साफ कर लें। ये देखिए फ्रेंड्स, आम के पल्प को निकाल लिया है, अब इसे हम मिक्सी के जार में डाल देंगे। अब डालेंगे अपने स्वाद के अनुसार चीनी, आपको जितना मीठा चाहिए इसमें आप अपने हिसाब से चीनी डालें। अब डालेंगे हम जीरा इलायची का पाउडर और डालेंगे काला नमक। बस अब हमें मिक्सी में इसे घुमा लेना है ताकि बढ़िया सा पेस्ट तैयार हो जाए। ये देखिए पेस्ट बनकर एकदम तैयार है, आम पन्ने का पेस्ट बनकर, खट्टा मीठा पेस्ट बनकर एकदम तैयार है। अब इसे हम एक कटोरी में निकाल लेते हैं। आप 1 महीने या 2 महीने के लिए भी इकट्ठा बनाकर रख सकते हैं, जब मन करे आप निकाल के इसका शरबत बना के पी सकते हैं। अब ग्लासों में जो है आम पन्ने का पेस्ट डालेंगे, फिर उसके बाद हम इसमें ठंडा ठंडा पानी डालेंगे। ग्लास को जो मैं पूरा नहीं भरूंगी, थोड़ा थोड़ा ऊपर से खाली रखूंगी, क्योंकि इसमें मैं बर्फ के क्यूब्स भी डालने वाली हूँ। अब चम्मच की सहायता से हमें इस तरह से घुमा लेना है ताकि आम पन्ने का पेस्ट जो है पानी में बढ़िया से घुल जाए। फ्रेंड्स, हमने इसमें पानी डाला है तो इसमें नमक जो है कम हो गया है, इसीलिए हम इसमें फिर से नमक डालेंगे और भुना हुआ जीरा पाउडर डालेंगे। अब इसमें डालेंगे ठंडे ठंडे बर्फ की क्यूब्स। तो फ्रेंड्स, हमारी ठंडी ठंडी आम पन्ने की रेसिपी बनकर एकदम तैयार है। एक गिलास अगर आपने इसे पी लिया ना, तो पूरा शरीर जो है तरोताजा हो जाएगा और इसका टेस्ट
आप बिल्कुल भी नहीं भूल पाएंगे। डेली पियेंगे आप इसे जब आप बनाएंगे। इसका जो तंदूरी जो भुना हुआ टेस्ट होता है ना आम का, बहुत ही अच्छा लगता है और टेस्ट में भी बहुत ही अच्छा लगता है। और आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेके। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें।